Students, welcome to GPRP online classes for standard 1. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके हिंदी का चौथा और सातवां पाठ का प्रश्न करेंगे, प्रश्न चर्चा, ठीक है? आपका चौथा पाठ है बेटा, ऊ और ऊ की मात्रा, ठीक है? इस पाठ का प्रश्न निकालें, प्रश्न अभ्यास। चौथा पाठ का बेटा पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 निकालिए, निकाल लिया, वेरी गुड। अभी हम चौथा पार्ट का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। क में आ की मात्रा है तो हम क में आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है? ल के साथ आ की मात्रा लगी है तो हम ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, तो वो बन जाएगा काला, ठीक है? देखो, ह लिखा है तो हम ह लिख देंगे, फिर आ की मात्रा लगी है तो हम आ की मात्रा लिख देंगे, फिर थ लिखा है तो हम थ लिख देंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है? हमारा शब्द बना हाथी, ठीक है? ये काला भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, क, तो आप लिख दोगे क, फिर क्या लिखा है, आ की मात्रा, तो आप भी लगा दोगे आ की मात्रा, फिर क्या है, ल, तो आप भी लिखोगे ल, फिर आ की मात्रा है तो आप भी लगाओगे आ की मात्रा, ठीक है? हमारा शब्द बना काला, ठीक है? अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है, इन वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, र, तो आप भी लिख देंगे र, फिर आ की मात्रा है तो आप भी लगा दो आ की मात्रा, फिर ग है तो आप भी लिख दो ग, लेकिन ग के साथ छोटी ई की मात्रा है, ठीक है? तो आप इसमें छोटी ई की मात्रा अंदर से लगाते हैं तो आप अंदर से लगाओगे, ठीक है? फिर न है तो आप भी लिख दोगे न, फिर न में बड़ी ई की मात्रा है तो आप भी बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे, ठीक है? हमारा शब्द बना रागिनी। अब देखो ये वाला करेंगे, इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। सबसे पहले है ड, तो आप भी लिख दोगे ड, फिर है म, तो आप भी लिख दोगे म, फिर र है तो लिखो र, फिर उ की मात्रा है तो आप लगाओ उ की मात्रा, शब्द क्या बना, डमरू, ठीक है? अभी इस वर्ण को जोड़कर शब्द बनाएंगे। सबसे पहले है म, तो आप लिख दो म, म के साथ किसकी मात्रा लगी है, छोटी ऊ की, तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, फिर है क, तो आप भी लिख दो क, फिर क के साथ छोटा ऊ, तो क के साथ छोटा ऊ, फिर ल है तो लिख दो ल, ठीक है? हमारा शब्द बना मुकुल, ठीक है? अभी दूसरे पेज में आइए, पेज नंबर 26। देखो बेटा, चित्रों का नाम पूरा कीजिए। यहाँ पर देखो चित्र दिए गए हैं ना, सुंदर सुंदर, यहाँ पर इन चित्रों का नाम आधा अधूरा लिखा है, देखो आधा अधूरा लिखा है ना, तो चित्र को देखकर हमें उन चित्रों के नाम को पूरा करना है यहाँ पर, ठीक है? ये क्या है, गुलाब है, तो गुलाब कैसे लिखते हैं, गू ला ब गुलाब, ठीक है? ये क्या है पहचानो, वेरी गुड, छाता है ये, छाता कैसे लिखेंगे, छाता छाता, ठीक है? ये क्या है, देखो ये आदमी है, इसने अपने सर पर मट्टी ढो रखा है, तसले के ऊपर मट्टी पकड़ रखा है ना इसने, वो कौन होता है जो तसले के ऊपर मट्टी लेता है, वेरी गुड, मजदूर। मजदूर कौन होते हैं पता है, जो हमारा घर बनाते हैं, ठीक है? तो मजदूर कैसे लिखेंगे, म ज दू र मजदूर, ठीक है? अभी यहाँ पर आओ, देखो ये एक आदमी है, इसने हाथ में चिट्ठियाँ पकड़ रखी है, हमें चिट्ठियाँ कौन देता है, डाकिया, ठीक है? डाकिया कैसे लिखेंगे, डाकिया, ठीक है? इसे पहचानो,
वेरी गुड, ये बकरी है। बकरी कैसे लिखेंगे? बकरी, बकरी, ठीक है। अब ये क्या है बताओ? ये तो सबको पता है, राइट। ये टमाटर है। टमाटर कैसे लिखेंगे? ट मा ट र टमाटर, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा? गुलाब, छाता, मजदूर, डाकिया, बकरी और टमाटर, ठीक है। अभी नीचे आइए, चित्रों को उनके नाम से जोड़िए। चित्रों को उनके नाम से जोड़िए। यहाँ पर चित्र दिया गया है ना, और बगल में ये भी चित्र है और यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इन चित्रों को इनके नाम के साथ मिलाना है। यहाँ पर नाम, बीच में नाम दिया गया है और अगल बगल में चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? ये किताब है। तो किताब को किताब से मिलाओ। मिलाया, वेरी गुड। अभी उसके बाद क्या है? ये अमरूद है। तो अमरूद को अमरूद से मिलाओ। मिलाया बेटा, वेरी गुड। अभी अमरूद के बाद क्या है? क्या है ये? वेरी गुड, लड़की। तो लड़की को लड़की से मिलाओ। मिलाया, गुड। अभी नीचे आओ, ये क्या है? बकरी। बकरी को बकरी से मिलाओ। मिलाया बेटा, वेरी गुड। अभी यहाँ पर आओ, ये देखो क्या है? ये बगीचा है ना, फुलवारी। तो फुलवारी को फुलवारी से मिलाओ। मिलाया, वेरी गुड। अभी ये देखो, ये लड़की अपने हाथ में, इसने क्या पकड़ रखा है? इस छोटी सी बच्ची ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? वेरी गुड, ये मिठाई है। तो मिठाई को मिठाई से मिलाओ। मिठाई को मिठाई से मिलाया, वेरी गुड। अभी नीचे आओ, तराजू। तराजू में जब हम बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, तो सब्जी वाला तराजू में सब्जियों को तोलता है। एक तरफ सब्जी रखता है और एक तरफ लोहे का बट्टा रखता है, ठीक है। और ये देखो, ये बताता है भार। ये जो कांटा दिखाई दे रहा है ना, भार कितना है ये बताता है, ठीक है। तो तराजू में तौल कर ही सब्जी वाला हमें सब्जी देता है, ठीक है बेटा। ये क्या है? तराजू। तराजू को तराजू से मिलाओ। मिलाया, वेरी गुड। अभी बेटा पेज नंबर 27 में आओ। पेज नंबर 27 में आए सारे बच्चे, वेरी गुड। ये देखो, डिब्बे में दी गई मात्रा के आधार पर नीचे लिखे शब्दों को छांट कर लिखिए। डिब्बे में दी गई, कौन सा डिब्बा? ये वाला डिब्बा। अ की मात्रा का शब्द लिखेंगे, आ की मात्रा का शब्द लिखेंगे, छोटी ई का मात्रा का शब्द लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा का शब्द लिखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा का शब्द लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा का शब्द लिखेंगे। और ये शब्द कहाँ से ढूंढ के लिखेंगे? इस येलो बॉक्स से, ठीक है। ये जो येलो बॉक्स है ना, इनमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों में से आ की मात्रा के शब्द हमको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। चलो, तो मैंने ढूंढ के लिख दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ज में किसकी मात्रा है? सबसे पहले अ की मात्रा का शब्द लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये देखो, ज में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है ना। तो जल, जल। अ की मात्रा में ये आएगा, ठीक है। और म, ह, ल, इसमें भी अ की मात्रा है, तो इसको भी लिखो, म, ह, ल, महल, ठीक है। अभी अदरक, अदरक, ये नीचे जो हमने बॉक्स देखा था ना, बॉक्स में से ढूंढ ढूंढ के लिखा ये हमने, ठीक है। अदरक, अदरक,
इसमें भी अ की मात्रा है ना बेटा। अभी देखो अगला शब्द लिखेंगे क म ल कमल, ये भी अ की मात्रा का शब्द है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए अपने हिंदी के बुक में, इसे आप लिखेंगे। लिख लिया, वेरी गुड। अभी हम आ की मात्रा में आएंगे, ठीक है, ये रही आ की मात्रा, ठीक है। देखो ब में आ की मात्रा है ना, ल में भी आ की मात्रा है, बाला बाला, ठीक है। देखो त के साथ आ की मात्रा लगी है और ल के साथ भी आ की मात्रा, तो ये क्या है, ताला ताला, ठीक है। अब अगला देखो स में आ की मात्रा लगी है, दिखाई दिया ये डंडी, शिरोरेखा, शिरोरेखा नहीं, ये आ की मात्रा है, ठीक है, साफ साफ। अब देखो म में भी आ की मात्रा है, ल में भी आ की मात्रा है, माला माला, ठीक है, नोट करो बेटा, नोट कर लिया, वेरी गुड। अभी छोटी ई की मात्रा में आओ, ठीक है। देखो च में छोटी ई की मात्रा लगी है, ड में भी छोटी की मात्रा लगी है, तो ये किसकी मात्रा का शब्द है, छोटी ई का, ठीक है, चिड़ी या चिड़िया, ठीक है। देखो ह में छोटी की मात्रा है ना, ह में छोटी की मात्रा है, तो ये छोटी की मात्रा का शब्द हो गया, महिला महिला, ठीक है। ये देखो ह में छोटी की मात्रा है, तो ये क्या हुआ, हिरन हिरन। अभी देखो इस शब्द में भी छोटी की मात्रा है, ह के साथ छोटी की मात्रा, दिखाई दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पहिया पहिया, ठीक है। अभी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है, बड़ी की मात्रा बाहर की तरफ होती है। देखो त और ल में दोनों में बड़ी की मात्रा लगी है ना, ये क्या हुआ, तिली, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ड में भी ई की, बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये रबड़ी, ठीक है। अभी देखो इसमें भी र में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, शहरी शहरी, ठीक है। ल में देखो बड़ी ई की मात्रा लगी है, लगी है ना बेटा, मुरली मुरली, ठीक है, नोट करो बेटा, हो गया। अभी छोटा उ की मात्रा देखेंगे, ग में छोटा उ की मात्रा है, तो ये छोटा उ की मात्रा के शब्द है, गुड़िया गुड़िया, ठीक है। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, छोटा उ की मात्रा के शब्द, ठीक है। ये जो येलो बॉक्स है ना, इसमें से छाट छाट के हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ग में छोटा उ की मात्रा है, गुड़िया गुड़िया। अब यहाँ देखो फ में भी छोटा उ की मात्रा है, फुलवारी फुलवारी, ठीक है। अभी देखो छ में छोटा उ की मात्रा दिखाई दिया, कछुआ कछुआ। र में छोटा उ की मात्रा देखो नीचे, ये देखो र में छोटा उ की मात्रा दिखाई दे रहा है बेटा, ये नीचे जो मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये छोटा उ की मात्रा है, ठीक है, रुपया रुपया, ठीक है। अभी हमने छोटा उ की मात्रा पढ़ी, अब हम बड़ा उ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ा उ की मात्रा। देखो ज के साथ बड़ा उ की मात्रा लगा है ना, तराजू जू तराजू, ठीक है। ब में देखो बड़ा उ की मात्रा लगा है, बूढ़ा बूढ़ा, ठीक है। देखो फ में बड़ा उ की मात्रा लगा है, फूल फूल। यहाँ पर देखो र के साथ बड़ा उ की मात्रा लगा है, अमरूद अमरूद, ठीक है बेटा। तो एक और बार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बोलो जल जल, महल महल, अदरक अदरक, कमल कमल, बाला बाला, ताला ताला,
साफ साफ, माला माला, चिड़िया चिड़िया, महिला महिला, हिरन हिरन, पहिया पहिया, गुड़िया गुड़िया, फुलवारी फुलवारी, कछुआ कछुआ, रुपया रुपया। ठीक है, तराजू तराजू, बूढ़ा बूढ़ा, फूल फूल, अमरूद अमरूद, तीली तीली, रबड़ी रबड़ी, शहरी शहरी, मुरली मुरली। अभी बेटा सारे बच्चे सातवें पाठ पे आइए, सातवां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे बेटा, बुक में ही लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 45 निकालो। सबने पेज नंबर 45 निकाला, वेरी गुड। देखो बेटा प्रश्न पढ़िए, शब्दों के वर्ण अलग कीजिए। ठीक है, शब्दों के साथ जो मात्रा लगी है ना बेटा, वर्ण, वर्ण क्या होता है, क ख ग घ, क ख ग घ ण च छ ज झ न तथ द ध न प फ ब भ म, ये सारा। ठीक है, ये होता है वर्ण। तो देखो सबसे पहले है प, तो हम लिखेंगे प। फिर लिखा है क, तो हम लिखेंगे क। क के साथ औ की मात्रा लगी है तो हम लगा देंगे औ की मात्रा। फिर लिखा है ड, तो हम लिखेंगे ड। फिर है बड़ी ई, तो हम भी लगा देंगे बड़ी ई। ठीक है, आया समझ में। चलो अभी दूसरा करेंगे। सबसे पहले है द, तो हम भी लिखेंगे द। फिर क्या है, ओ की मात्रा, तो देखो ओ की मात्रा। फिर है प, तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी पर प लिखेंगे। फिर ह है, तो हम भी ह लिखेंगे। फिर र है, तो हम भी र लिखेंगे। ठीक है, देखो क है, तो हम भी क लिखेंगे। फिर क्या है, देखो खड़ी पाई और उसके बाद चंद्र बिंदु, ये लगा है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर है ट, तो हम भी लिखेंगे ट। फिर है आ की मात्रा, तो देखो आ की मात्रा इन लोगों ने लगा दिया है, तो हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि लगा हुआ है ना। ठीक है, अगला ये है क, तो हम लिख देंगे क। क में लगी है एक ही मात्रा, तो हम भी बता देंगे, ये देखो इन लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, एक ही मात्रा। फिर है त, तो हम लिख देंगे त। फिर है ल, तो हम भी लिख देंगे त है, तो हम भी लिख देंगे त। फिर ल है, तो हम भी लिख देंगे ल। ल के साथ बड़ी की मात्रा है, तो देखो इन लोगों ने बड़ी की मात्रा लगा दिया है ना पहले से ही, तो हम और नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो च है, तो हम लिख देंगे च। फिर च के ऊपर बिंदी है, तो इन लोगों ने बता दिया, तो बिंदी को हम दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर है द, तो हमने भी लिखा द। फिर है न, तो हमने भी लिखा न। ठीक है, अब ये देखो बैल, पहले है ब, तो हमने लिखा ब। ब में आई की मात्रा है, तो इन लोगों ने आई की मात्रा लगा दिया, तो हम आई की मात्रा दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो ल, तो हमने भी लगा दिया ल। ठीक है, इस तरीके से वर्ण को अलग अलग किया जाता है, शब्दों के वर्ण अलग कीजिए। ठीक है, ये शब्द थे, इनका वर्ण को हमने अलग कर करके हमने अलग किया है। ठीक है, शब्दों के वर्ण हमने इसमें अलग किया है। अभी देखो नीचे आइए, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये देखो खाली स्थान है ना बेटा, इन खाली स्थान में चित्र को देखकर उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है बताओ, वेरी गुड, घड़ा। डैश लाओ, क्या लिखेंगे, घड़ा। ठीक है, दूसरा देखो, शेर डैश का राजा है, क्या है ये, जंगल, लिखो जंगल, शेर जंगल का राजा है। ये देखो बेटा, डैश खाना लाता है, ये क्या है, नौकर, तो हम भी लिख देंगे नौकर। ठीक है, ये देखो क्या है, डैश मीठी होती है, क्या है ये, जलेबी, जलेबी मीठी होती है, क्या ये, सांप। ठीक है, काला डैश चला गया, काला सांप चला गया। ठीक है,
मैं 10 बजे सैर करता हूँ। छ, कितने बजे? 6 बजे है ना? 6, ठीक है, कर लिया? सारे बच्चों ने नोट किया, वेरी गुड। अभी नीचे आइए, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए, ठीक है। ये देखो, चित्रों को देखकर, यह ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर इसका नाम क्या है उस पर गोला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, केला, तो केला पे गोला लगाओगे, ठीक है। फिर है औरत, जामुन, केला, अमरूद, तो ये क्या है, केला है, तो हमने केला पर गोला लगाया। फिर है औरत, आदमी, बालक, ये क्या है, औरत है ना, तो औरत पे गोला लगाएंगे, ठीक है। फिर है बकरी, शेर, बैल, ये क्या है, बैल, तो बैल पे गोला लगाओ, ठीक है। फिर क्या है, ये खरगोश, कछुआ, खरगोश, चिड़िया, खरगोश पे गोला लगाओ, ठीक है। फिर देखो ये है घंटी, डंडा, अंडा, घंटी, घंटी है तो घंटी पे गोला लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रातः, ठीक है, दिन, प्रातः, रात, प्रातः, प्रातः पे गोला लगाएंगे, ठीक है बेटा, नोट किया, वेरी गुड। अभी बेटा पेज नंबर 47 में आओ। ये देखो, मात्रा को पहचान कर शब्द सही तालिका में लिखिए। ये जो गोले में शब्द दिया गया है ना बेटा, इसको पहचान कर कि ये कौन सी मात्रा के शब्द हैं, ये पहचान कर ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा के शब्द यहाँ से ढूंढ करके लिखने हैं। ये जो गोले में शब्द है ना, इन्हें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जोकर आया रख सर पर पैर, नहीं था उसको किसी से बैर, सिर पर फेरा हाथ जब अपने, पौधा खिलौनों का उगा सर पर, ठीक है। सबसे पहले जोकर, ज में किसकी मात्रा लगी है, ओ की, तो ओ में लिख दो, ओ की मात्रा कहाँ है, ये जोकर, ठीक है। फिर देखो पैर, प में किसकी मात्रा लगी है, आई की, आई की मात्रा ये इन लोगों ने लिख दिया है तो हम नहीं लिखेंगे दोबारा, ठीक है। अभी देखो उसको, उसको में क में किसकी मात्रा है, ओ की, क में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा में लिख देंगे उसको, ठीक है। फिर है बैर, बैर ये ब में ऐ की मात्रा है तो ऐ की मात्रा में लिख देंगे बैर, ठीक है। फिर उसके बाद है फेरा, फ में एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा में लिख देंगे फेरा, ठीक है। फिर है अपने, न में एक ही मात्रा है ना, तो ये किसकी मात्रा के शब्द हैं, एक ही मात्रा का, तो एक ही मात्रा में लिख दो अपने, ठीक है। फिर है पौधा, पौधा प में औ की मात्रा है तो लिख दो औ की मात्रा, पौधा, ठीक है। फिर है खिलौना, औ की मात्रा है तो इसके अंतिम शब्द है खिलौना, ल में औ की मात्रा है तो औ की मात्रा ये है खिलौना, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो गोले के शब्द थे इनको इनकी मात्रा के शब्द वाले तालिका में लिख दिया। एक ही मात्रा के शब्द कौन कौन सा था, फेरा, अपने। ऐ की मात्रा का शब्द कौन सा था, पैर, बैर। ओ की मात्रा का शब्द कौन सा था, जोकर, उसको। औ की मात्रा का शब्द कौन सा, पौधा, खिलौना, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपका 7वां पाठ का प्रश्न समाप्त हुआ, ठीक है। आपने, अगर आपसे कुछ छूट गया बेटा तो आप वीडियो को पॉज करके आपके घर में कोई बड़ा है तो उसकी हेल्प लेकर ये लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।